ओके गाइस, तो मैंने अभी ये पैसे निकलवा लिए। ये है मनन का नोट। मेरे पीछे जो है ना, यहाँ विटामिन और जिनसेंग की शॉप्स हैं। लोग इतनी सारी जिनसेंग ले रहे हैं, बार्गेन करके आप अपनी कीमत कम करवा लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब और नया साल आपका कैसा गुजर रहा है? आज हम लोग जा रहे हैं दुंगम्यो मार्केट और मास्क वगैरह इससे लगा के जा रहे हैं क्योंकि मार्केट की जगह है, तो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। वेल, ये मार्केट का मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये मार्केट क्या है और लाइक वहाँ पे क्या क्या मिलता है। अच्छा गाइस, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना GoPro Hero 8 आज फर्स्ट टाइम, तो बेयर विद मी, इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट। तो थोड़ा सा वॉइस का भी और थोड़ा वीडियो की क्वालिटी का डिफरेंस होगा। आई नो कि आप पसंद करेंगे GoPro की वीडियोस भी। मार्केट्स वगैरह में बहुत बड़ा वाला कैमरा लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। ये KF95 मास्क लगा के ना इतनी सांस फूल रही है और फिर थोड़ा चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी कि ये मार्केट कैसी है और वहाँ पे लाइक किस तरह से आप शॉपिंग कर सकते हैं। हमारी भी लाइक ये फर्स्ट टाइम है इन 10 ईयर्स कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसर्च कर ली है, तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या लाइक हमें देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो ये मार्केट क्योंकि फ्ली मार्केट है और वहाँ पे लाइक वेंडर्स होते हैं, उनसे आपने बार्गेनिंग करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं बैंक और वहाँ से हम निकालेंगे कैश, छनन वगैरह के नोट्स निकालेंगे और फिर ताकि हम लोग वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकें, एंड वी आर नॉट गुड एट इट। ओके गाइस, तो मैंने अभी ये पैसे निकलवा लिए हैं। ये है मनन का नोट और हमने 1,00,000 Korean won निकाला है और देखेंगे कि लाइक हम क्या खरीद सकते हैं इससे। आई डोंट हैव मच होप्स क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम वहाँ से कुछ खरीदेंगे, लेकिन एक अच्छा टूर हो जाएगा। और आज है ट्यूसडे का दिन और नॉर्मली ये 2nd और 4th Tuesday को क्लोज होती है मार्केट, लेकिन आज क्योंकि 1st Tuesday ऑफ द मंथ है तो ये मार्केट ओपन होगी होपफुली। और दूसरा ये कि ये 2 बजे मार्केट खुलती है और अभी हो रहा है 12:30। हम लोग नाश्ता करके बस निकल गए हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली में 2 बजे ही खुलती है या उससे पहले खुल जाती है। तो लेट्स गो एंड सी। अभी हम लोग सबवे में जा रहे हैं। ओके गाइस, तो इसका सबवे स्टेशन है दुंगम्यो स्टेशन और एग्ज़िट वगैरह का हमें नहीं पता, हम वहाँ जाके देखेंगे। ये बहुत बड़ी मार्केट है तो वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर एग्ज़िट ताकि हम लोग वहाँ पहुँचें जहाँ से हमने कुछ लेना। लाइक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, एंटीक्स होते हैं और लाइक फर्नीचर होता है। ये सब मैंने नेट पे पढ़ा है। आई डोंट नो कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या क्या मिलता है। ओके गाइस, तो ये है दुंगम्यो स्टेशन और यहाँ के exit 3 से हम लोगों ने निकलना है, तो साथ में ही एक्सप्लोर करेंगे। ओके गाइस, तो ये है exit 3 ऑफ दुंगम्यो स्टेशन। यहाँ से आते हैं तो आपको ये नज़र आती है मार्केट और यहाँ पे इस तरह के ठेले पे नीचे लगा के बैठी हुई चीज़ें और पर्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, घड़ियाँ वगैरह रख के बैठे हुए। बहुत ही ओल्ड स्टाइल मार्केट है ये। यहाँ पे ऐसे टूल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है तो अंदर और एक्सप्लोर करते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये इस तरह लाइक नीचे इन्होंने बास्केट्स में ना सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये ग्लव्स वगैरह हैं 3,000 के, 2,000 के, 5,000 के और इनकी कीमत लाइक जैसे 250 भी चीज़ें मिलती हैं ना उस तरह की कीमतें हैं। जैसे ये ग्लव्स 5,000 के, तो ये कीमतें वगैरह हैं यहाँ की। और भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और गाइस, ये तो वैसे ही हैं प्राइसेस, लाइक थर्मल इनर्स मिल रहे हैं 10,000 के और ये इतने के ही मिलते हैं। और तो ये मार्केट है पूरी। यहाँ पे सोप्स मिल रहे हैं, ये चेक करें, खुले साबुन, लेदर के ये पाउच, जुराबे, ग्लव्स वगैरह हैं, ब्रश हैं, ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक तो न्यू लग रही हैं। टोपियाँ 15,000 की। ओके गाइस, तो हम लोग हैं मार्केट में और थोड़ा अजीब भी फील हो रहा है, लाइक मतलब हम इधर उधर देख रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। वेल, अभी जिस जगह पे हम फिर रहे हैं ये है कोई ओल्ड क्लोथ्स की शॉप। पीछे हमारे बैग्स हैं, क्लोथ्स हैं, जैकेट्स हैं। सारी ओल्ड शॉप्स नहीं हैं, मतलब कुछ स्टोर्स भी हैं जहाँ से आप टूल्स ले सकते हैं और लाइक डाइसो वाला स्टफ़ भी मिल जाता है। और कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे मेरे सामने, देखें।
ओके, तो ये है जी बर्तन कुछ पड़े हुए हैं, 10,000 की शर्ट, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे बहुत सारी। ओके गाइस, तो ये है साइकिल वाली चीज़ें, साइकिलों का सामान मिल रहा है और सारे टूल्स वगैरह। और अगेन क्योंकि सर्दियाँ बहुत आ गई हैं तो कैप्स और ग्लव्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, और जैकेट्स, पर्स वगैरह, बेल्ट्स वगैरह, हैट्स, साइकिल का मोस्टली सामान है इस जगह पे। साइकिलें भी मिल रही हैं, किसी ने अगर साइकिल लेनी हो कोरिया आके तो 1.5 लाख तक की साइकिल मिल जाएगी यहाँ से। यहाँ पे कुकर वगैरह भी मिल रहे हैं कुछ, और पता नहीं क्या, गिटार पड़ा हुआ है, गिटार है, बर्तन है, पुराने जूते हैं, कैमरा है, चूड़ियाँ, कांटे, बाउल सेट है यहाँ पे, स्ट्रेटनर्स पड़े हुए हैं, इस्त्रियाँ पड़ी हुई हैं, और ये है जग। वैसे ये तो फ्ली मार्केट है ना, कोरिया में ना फेसबुक के ग्रुप्स भी होते हैं, लोग वहाँ से भी एक्सचेंज कर लेते हैं लाइक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को, जैसे ओवन हो गया, ये चीज़ें ना ख़राब नहीं होती हैं और मोस्टली लोग 2 साल बाद लाइक चले जाते हैं, तो यहाँ पे ना सेल करके जाते हैं, और मतलब ली भी 30,000 कोरियन वन की चीज़ होती है और 5,000 में लाइक बेच के चले जाते हैं, तो कुछ चीज़ें वो भी लाइक यहाँ इस मार्केट में आई थिंक हो सकती हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आई थिंक ये चल जाती हैं, चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो कुकर वगैरह लेना हो, ओवन लेना हो, इस्त्री लेनी हो, इलेक्ट्रिक कैटल लेना हो, तो यहीं से ले लें, पैसों की बचत है ना। और लाइक ये जो वॉक पड़ी हुई हैं, बहुत सारे और भी बर्तन नज़र आ रहे होंगे, इसमें से लाइक आप कुछ ले सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, और लाइक हम लोग सोच से ये आए थे कि अगर उर्वा के लिए कुछ हमें इंग्लिश बुक्स मिल जाए तो लाइक बहुत अच्छा होगा। ये सारी यहाँ पर ना डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं, पॉकेट डिक्शनरी है 2,000 की लाइक, तो ये अच्छी हैं लाइक वारे में आती हैं, बजाय कि आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करें। और जिन लोगों को लाइक बुक्स रीडिंग का शौक है तो वो भी यहाँ आके लाइक आप चेक कर सकते हैं कि आपको लाइक किस तरह की बुक्स मिलेंगी। और लाइक मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ आके एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो देखते हैं आपके साथ साथ मैं भी देखती हूँ। अन्यासेल, तो ये सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, ये काफ़ी बड़ी शॉप लग रही है, अंदर भी बहुत कुछ है। अगेन ये बर्तन, वॉक पड़ी हुई है, वहाँ पे राइस कुकर पड़े हुए हैं, जूसर पड़े हुए हैं, तो यार ये चीज़ें आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेने में कोई मसला नहीं है, और आप ले सकते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल है। ओके गाइस, सो लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट के ना यहाँ पे इतनी चीप चीज़ें हैं, और लाइक पिछले 10 सालों में ना इतना हम लोगों ने पैसा खर्च किया है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं ना, तो अगर आप लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये सेकेंड हैंड चीज़ें लेनी चाहिए, बट इफ़ यू आर लाइक ऑन बजट, अगर आप चाहें तो आप इस मार्केट आ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड इज़ डेफिनेटली अवेलेबल हेयर। और आप किचन के लिए ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, ग्लव्स ले सकते हैं, लाइक थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, शर्म आती है, लेकिन यू कैन ट्राई। तो मेरा मकसद था आपको यहाँ पे टूर कराना, तो और भी टूर वगैरह करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैग्स लटके हुए हैं, अगर आप ट्रैवलर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे बैग्स देख सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ एंटीक्स की भी चीज़ें हैं, जैसे ये बीड्स हो गए, और ये थाईलैंड के कुछ सामान लग रहा है, एंटीक बुद्धा, और ये भी यहाँ पे क्यूट है, मतलब हम ले नहीं रहे लेकिन देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये डॉल कितनी प्यारी लग रही है, डेकोरेटेड डेकोरेशन के लिए भी, और यार इट्स क्यूट, अगर आपको घर की डिकोर का शौक है तो माय गॉड इसको चेक करें, कितनी प्यारी डॉल है। यहाँ पे इस तरह के एंटीक मार्केट्स भी हैं आगे। ओके, यहाँ पे ये बैग्स वगैरह हैं, पाउच हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये हैट्स हैं, और आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें सेकेंड हैंड है, तो लाइक आप खुद से ढूंढ के घूम फिर के देख सकते हैं चीज़ें कि आपको क्या लेना है। साइड बैग्स वगैरह भी यहाँ पर ईजीली मिल जाते हैं, तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, तो आप इजीली लाइक अपनी शॉपिंग कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट। ओके गाइस, तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है पूरी दुंगमियो मार्केट, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, और लाइक इसकी रेंज लाइक 10,000 से 50,000 तक है, फिर जैसे जैसे लाइक आप एक्सपेंसिव शॉप्स में जाएंगे तो एक्सपेंसिव भी होंगे, और लाइक कुछ इसमें आई डोंट नो कि मिक्स हैं, न्यू हैं, ओल्ड हैं, वी कैन नॉट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस। और तो ये हैं इस तरह की दुकानें पीछे मेरे, देखें जैसे आप, ये सब दुकानें हैं यहाँ पे। तो अभी तक हम लोग लाइक इस साइड पे फिर रहे हैं, और हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखी है, जैसे तारें वगैरह आपकी ख़राब हो जाती है लैपटॉप्स की, तो पीछे ये देखें ये तारें भी मिल जाती हैं, और लाइक हर तरह के लैपटॉप्स के लिए इतना सामान है, इतना
तो सारे स्विच मिल जाएंगे, हर किस्म की आपको वायरिंग मिल जाएगी लैपटॉप्स की और सारे कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड अगर आपका लैपटॉप का कोई भी एसेसरीज का इशू है तो आप यहाँ आएँ और यहाँ से चीज़ें ले लें। हर किस्म के तारे हैं, कनेक्टर्स हैं, बस ये कि आपको ख़ुद से देख के लेनी पड़ेंगी कि किस तरह की वायर्स आपको चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइक आप सस्ता उनके बार्गेन करके भी उनसे अपनी कीमत कम करवा लें। बूढ़े बूढ़े इनके शॉपकीपर्स होते हैं तो ये मना भी कर देते हैं कि आप ना वीडियोज़ मत बनाओ, तो इसलिए भी थोड़ा मैं कम वीडियोज़ बना रही हूँ यहाँ की। हर तरह की मार्केट है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े हैं, खाना पीना भी है, जो कुछ आप सोच सकते हैं ना कि कुछ लेना है तो वो इसी मार्केट से आपको मिल जाएगा। मेरे पीछे यहाँ पे देखें बर्तनों की दुकान भी है और यहाँ पे चीनी के बर्तन मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे डिनर सेट्स होते हैं। और लाइक हमें आज तक नहीं पता था, हम लोग डाइसो से लेते थे, होम प्लस से लेते थे, ई मार्ट से लेते थे, लेकिन यहाँ पर प्राइसिस का नहीं अंदाज़ा और हमने पूछा भी नहीं है, लेकिन हम पूछ के बताते हैं कितने की है। तो ये है जी शॉप जिसमें ये सामान नज़र आ रहा है आपको, सेट्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं और डिफरेंट डिकोर का आइटम हैं और इन पर प्राइसेस कितनी लिखी भी नहीं है, तो एक एक चीज़ का लाइक पूछ के पता चलेगा। तो मैंने उससे ना इस ट्रे की कीमत पूछी है, चावलों वाली जो डिश होती है, और इसकी कीमत है 30,000 कोरियन वन, यानी पाकिस्तानी 3,500-4,000 रुपये की। तो या एक्सपेंसिव ही है, और तो हमें वही डाइसो से मिल जाती हैं चीज़ें इजीली और वो करीब भी होते हैं डाइसो स्टॉप, तो या वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है लेना वहाँ से। गाइस मेरे पीछे जो है ना यहाँ विटामिन और जिनसेंग की शॉप्स हैं, लोग इतनी सारी जिनसेंग ले रहे हैं पता नहीं क्या करेंगे। तो यहाँ पे लाइक इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो यू कैन डू शॉपिंग हेयर। और आज क्योंकि मैं GoPro से व्लॉग कर रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं है कि मेरी वॉइस कितनी क्लियर होगी इस वीडियो में और वीडियो कितनी क्लियर होगी। सो या आई होप कि आपने ये जगह इन्जॉय की होगी हमारे साथ। इफ़ यू वॉन्ट टू कम, यू कैन कम टू डोंगमियो स्टेशन एंड जस्ट लुक अराउंड। ये सारी जगह लाइक ये डोंगमियो है, तो आप ये जगह देख रहे हैं कि ये बहुत ही लाइक हसल एंड बसल है, लाइफ है, चल रही है, तो आपको खुद घूम घूम के चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वेल आई होप कि आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।